अरे अनुराग भाई, मुझे ना पता लोकेशन कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें करो। अरे भाई ये तो बताओ कि लोकेशन तुम्हें चाहिए किस टाइप की। डॉक्टर स्ट्रेंज देखिए। भाई मैंने देखी है। स्पेलिंग बताइए जरा। डॉक्टर साहब की तो है। हाँ डॉक्टर साहब की है। भाई की दवाई लाया मैं परसों। किस चीज की? भाई की किडनी में पत्थर है। ये कब हुआ? वो तो इसको ही पता। भाई तूने एवेंजर एंड गेम देखी है? जो थेनोस की पांचवी उंगली में स्टोन होगा ना, वो इसी की किडनी में से निकाल रखा। भाई मुझे क्या पता, मैं तो व्यूज पढ़ा था। अबे कभी काम ना सीख ले। क्या तू बोलेगा? ऊंचा बोलेगा? भाई मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो जानता भी नहीं ऐसे। ये साथ नहीं है। नहीं भाई मैं नहीं जानते थे। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे भाई हम दोनों को क्यों मार रहे हैं? ये भी तो मार रहे हो। अबे सारे मेरे से दूर रही हो, दिन में तारे दिखा दूंगा एक रैपट में। तू आ पहले। तू कैसे बोल रहा था? अरे भाई मुझे ही मारे जा रहे हो यार। अरे भाई साहब बात ही है ना, दोनों परेशान हो गए। हमें एक बड़े बजट की फिल्म बनानी है, उसके लिए लोकेशन नहीं मिल रही हमें। भाई तू मेरी अभी भी ना मान रहे, शकल से फ्रॉड दिख रहे, फसवाएगा हमें। अरे चल देखते हैं। बस आप परमिशन का इंतजाम करा दो। अरे परमिशन नहीं, दिक्कत मत लो यार, वो पेटीएम मेरे पास। बस आप 10,000 रुपये पेटीएम भर दो यार। क्यों? अरे वो देने पड़ते ना यार। अरे आप लोकेशन देखो ना यार, कितनी मस्त है। अरे लोकेशन तो ठीक है यार, परमिशन की तो जरूरत पड़ेगी ना। अरे 735। अरे मैं कह रहा हूँ ना, करते हैं आपको। ठीक है भाई, ठीक है। टीम नहीं आई यार अपनी, बहुत टाइम हो गया। अरे वो हमारी टीम भी तो काफी बढ़िया ना, तो बैठने के लिए वैनिटी वैन लगती है उनको, तो वैनिटी वैन में आ रहे होगी वो। काफी हाई लेवल सूट है। हां बहुत हाई लेवल सूट है भाई। भैया वो अपनी टीम आ रही है क्या? आ जाओ यार। अरे भाई मेरे पे नहीं कूदा जाएगा इतनी ऊंचाई से, तू ही जा। तू जा मेरे पे नहीं जाएगा कूद भाई, तू जा। तो देखो भाई पिछली बार के शूट में हमें बहुत सारी दिक्कत आई थी, तो मैं नहीं चाहता इस शूट में भी हमें कोई दिक्कत आए, तो सभी ने मिल बांट के काम करना है और अच्छे से करना है। अरे यार डायरेक्टर साहब, खाना और मंगवा लो, बड़ी भूख लग रही है। अबे साले ढीले, काम तुमसे होता ना, खाना तुम्हें पहले ही दे दो। अरे डॉक्टर साहब समझाओ ना कुछ। कौन है बाबला है बार बार खाना मांग रहा है? कोई नहीं भाई, अब नहीं मांगेगा, मैंने समझा दिया उसको। तुम कहते हो तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बैठ जाता हूँ। तो करो भाई शूट की तैयारी, चलो लगाओ लगाओ सामान। अरे डॉक्टर साहब सब कुछ सही चल रहा है शूट में? अरे भाई एक नंबर। अरे भाई कितनी बार तो करो समझा दिया यार, दे दूंगा तेरे पैसे। अरे डॉक्टर साहब मैं करूँ पेटीएम? तू पागल हो रहा क्या? निकल यहाँ से, चल। यार दिक्कत क्या है, मैं कर दूंगा तेरे को, सारा ठीक है। डॉक्टर साहब वहाँ बैठूंगा कोने में। डॉक्टर साहब अब इससे परमिशन तो ले लो, खामखा चोरी चकारी का केस लग जाएगा अपने पे, पुलिस आ जाएगी यहाँ पे। अरे तुझे सूट से मतलब होना चाहिए ना, हमेशा नेगेटिव सोचो, कभी पॉजिटिव ना सोचियो। अब मान नहीं रहे डॉक्टर साहब, ये फ्रॉड आदमी है, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं। इस फिल्म का हीरो मैं हूँ, अगर ये फिल्म मुझे मिल गई ना तो समझो हिट है। इसमें मेरे सारे सीन हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही हूँ। नौकर का, चाकर का, अंकल का, आंटी का, हीरो का, सबके रोल है। अबे क्या कर रहा है यहाँ पर? फिल्म बना रहा हूँ। बनवाऊँ तुझसे फिर? चल साले। लाइट्स कैमरा एक्शन। ये दुनिया सोने दी नहीं पित्तल दी। चल हट। अरे क्या हो गया, सीन तो देने दे तो उसको, तभी तो बनेगा हीरो। डायरेक्टर साहब ये फिल्म करेगा तो मैं जा रहा हूँ। अभी तू हट, ठीक है? तुम डार्लिंग इधर। अरे तो मैं क्या करूँगा? हाँ तो भाई सभी रेडी हो, कैमरा रोल एक्शन। हाय
तेरी क्या हो बे पैर पे पैर रखे क्या साले का सुअर बना दूंगा ओए ओए सब आओ डॉक्टर साहब जल्दी आओ जल्दी क्या हो गया यू भाई साहब सुअर बनाया बना भाई सुअर बना कल को बनाऊंगा अब क्या आप बना सुअर क्या होगा ना साले का एक रैपट में तारे दिखा दूंगा समझ गया भतीजा है मेरा हाथ मत लगा दियो समझ गया चलो डॉक्टर साहब देखो भाई ये मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है इसमें विलन अपनी माँ से इजहार करता है वो भी साइलेंट मोड में तो किसी को भी चूचा नहीं करनी है तो कैमरामैन कैमरा लगाओ एक्शन कैंडी हुंदी सी चैन तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सारे ला दे उन तारे दे विच जदों मैनू वेख के नहीं मेरी याद च क्या हुआ रुको क्या हो रहा है यहाँ पर राम राम जी राम राम साले का रैपर लग गया ये कल बात ये खाता फिरेगा कौन हो तुम सब देख रहे हो ना मुझसे बात करो क्या बात तुमसे क्या बात करूं घर में कैसे बड़े तू दीवार कूद के साले का रैपर लग गया सारी उम्र कूदते फिरेगा थर्ड डिग्री दिलवा दूंगा को सालो अब पुलिस को फोन मिलाता हूं अरे शुभम कहां रह गया बे हां डॉक्टर साहब अरे कौन है बे तू लगता है मकान खाली रह गया रुको सालो तुम्हें अभी दिखा परमिशन है मेरे पास अरे रखी है अरे अभी दिखाता हूँ तुम्हारे पास है ना परमिशन हाँ है मेरे पास तो बस तो फिर तुम होते कौन है हमें बोलने वाले करो शूट तो मैं अभी दिखाता हूँ बस तो फिर चलो करते हैं शूट चलो डॉक्टर साहब शूट क्यों नहीं कर रहे जब तुझे परमिशन लेने के लिए बोला था तो तूने क्यों ना ली परमिशन हाँ बस तो फिर अगर यही बात हम बोल देते तो हम नेगेटिव सोच वाले हो जाते अब हम कुछ बोलेंगे नहीं ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी तुम नेगेटिव सोच वाले हो ये बात आप सही कह रहे हो डॉक्टर साहब तू छोटा है छोटा बन के रह समझ गया ना एक रैपते में चांद दिखा दूंगा समझ गया परमिशन से आया तू बिना परमिशन के